दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को फोन पे अकाउंट बनाने का फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये 2024 का अक्टूबर मंथ का एक लेटेस्ट प्रोसेस है फोन पे में अकाउंट बनाने का, ठीक है। कैसे यूपीआई सेटअप करते हैं, कैसे यूपीआई बनाते हैं, सारी चीजें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें बताया है। तो अगर आप भी अपना फोन पे अकाउंट बना रहे हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों फोन पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन पे डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप लोगों को सबसे पहले फोन पे अपना डाउनलोड कर लेना है। ये ऑटोमेटिक आप लोगों के फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को सिंपली इसे ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक यहाँ पे डल जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे केस में ओटीपी आ गया है दोस्तों, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप भी हो चुका है। अब आप लोगों को कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को व्हाइल यूजिंग द ऐप सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो एक अलाउ का बटन है, इस पर भी आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वेलकम टू फोन पे, ऐड बैंक लिंक टू, यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर रहेगा। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को सिंपली आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों का बैंक तो आप लोग सिंपली उस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप लोगों का नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यहाँ पे हम जैसे इंडिया टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे आ चुका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे अलाउ एक्सेस का यहां पे ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आप लोगों को अलाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। सेंडिंग एसएमएस वेरिफिकेशन, यहाँ पे एक एसएमएस जो है बैंक को भेजा जाता है जो कि वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना है। इसके बाद आप लोगों का बैंक अकाउंट यहाँ पे डिटेल जो है यहाँ पे फेच करा जा रहा है, जो कि हमारे केस में यहाँ पे मिल चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ पे बैंक अकाउंट आ गया है। तो सेविंग अकाउंट है, अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अगर अपना यूपीआई पिन सेट करना है तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपना एटीएम लेना है, और एटीएम में जो लास्ट के 6 अंक होते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ कि लास्ट के जो 6 अंक होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है। एक्सपायरी ईयर और मंथ जो होता है आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद सिंपली आप लोगों को कंटिन्यू के बटन पे, इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ पे आप जो है अपना यूपीआई पिन यहाँ पे क्रिएट करोगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इंटर 6 डिजिट बैंक ओटीपी, तो यहाँ पे बैंक से ओटीपी आएगा, वो हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे। सो हमारे केस में यहाँ पे ओटीपी आ गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। ये ऑटोमेटिक आप लोगों का यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, आप लोगों को डालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक आएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, राइट का निशान आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ये राइट का जो निशान है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को 6 अंकों का अपना यूपीआई पिन बनाना होगा। ऐसा पिन बनाना होगा जिसे आप लोग हमेशा याद रख सको, क्योंकि आप कोई भी पेमेंट करोगे आगे चल के, चाहे आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे या किसी को आप पैसे पेमेंट करोगे, कुछ आप परचेस कर रहे हो तो पेमेंट करोगे, तो आप लोगों को ये पिन जो है आप लोगों को बार बार डालना पड़ेगा। तो आप लोगों को ऐसा पिन यहाँ पे बनाना है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपना पिन बना लेना है। पिन बनाने के बाद देखिए हमने यहाँ पे पिन भर दिया है। इसके बाद सिंपली आप लोगों को इस राइट के निशान पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से आप लोगों को कंफर्म करने के लिए सेम यूपीआई पिन, मतलब अभी आपने जो पिन बनाया अपने मन से वही पिन दोबारा से आप लोगों को फिर से यहाँ पे डालना है। इसके बाद राइट के निशान पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एडिंग बैंक अकाउंट। जैसे ही आप यूपीआई पिन बना लेते हो आप लोगों का फोन पे अकाउंट जो है बन जाता है। देखिए यहाँ पे फोन पे अकाउंट बन चुका है और आप लोगों को इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं दोस्तों जिसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आप लोगों को यूज करना है इसे। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को अगर किसी के नंबर पर आप लोगों को मनी ट्रांसफर करना है तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे टू मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और आप लोगों को उस बंदे का जिसके नंबर में भी आप लोगों को ये मनी ट्रांसफर करना है या कहें पैसे भेजने हैं, आप लोगों को यहाँ पे सिंपली उसका नंबर टाइप कर देना है।
यहाँ पे आप लोग नंबर भी टाइप कर सकते हो, या फिर आप लोगों का जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे अगर वो नंबर सेव है तो वहाँ से डायरेक्टली आप लोग जो है क्लिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना अमाउंट इंटर कर देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 1 रुपये का अमाउंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे का बटन आ जाता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे ये पेमेंट इनिशिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना यूपीआई पिन डाल देना है, इसके बाद ये पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को डालना है यहाँ पे, इस प्रकार से ये यूपीआई पेमेंट हो जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से आप किसी के मोबाइल नंबर में पेमेंट करना था। अगर आप लोगों को स्कैन करके किसी को पेमेंट करना है तो आप लोगों को किस प्रकार से करना है, तो स्कैनर यहाँ पे है, इस पर आपको क्लिक करना है। QR कोड को डायरेक्टली आप लोग जो है स्कैन कर पाएंगे यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट में इसको क्लिक कर देना है। डायरेक्टली ये जो है आप लोगों को स्कैन करने का ऑप्शन दे देगा, आप लोगों को सिंपली स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आप लोगों को जो है डायरेक्टली जितना भी पेमेंट करना है उसे आप लोग पेमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों को बैलेंस चेक करना है तो यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और अपना यहाँ पे अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपना UPI पिन डाल देना है आप लोगों को सिंपली, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों को राइट के निशान पर क्लिक कर देना है और आप लोग इस प्रकार से अपना बैलेंस जो है चेक कर पाओगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप लोगों को जो है फोन पे इस्तेमाल करना है, फोन पे का अकाउंट बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।